ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे एल्कोहल एंड डाइसल्फिराम को और मीथेनॉल का। तो बेसिकली जैसा कि आपके अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो इसमें बेसिकली फार्माकोलॉजी ऑफ एथाइल एल्कोहल पूछेगा। और राइट तो इसमें फार्माकोलॉजी में आपको क्या लिखना है और बेसिकली मीथेनॉल पॉइजनिंग के बारे में अगर पूछता है तो उसमें क्या मेंशन करना है और उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, इन चीज़ों की हम बात करेंगे। तो बेसिकली एथाइल एल्कोहल एक एल्कोहल भी अगर पूछता है इट मींस वो एथाइल एल्कोहल की बात कर रहा है। और एथाइल एल्कोहल जो ये इम्परफेक्ट फूड है बिकॉज इसके अंदर कोई इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होते और ये इस बॉडी में किसी भी तरीके से इसका स्टोरेज किसी फॉर्म में भी नहीं है, इट कैन नॉट बी स्टोर, राइट। तो एक जनरलाइज लाइन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब हम मेटाबॉलिज्म ऑफ इथेनॉल की अगर बात करें तो बेसिकली लाइक जैसे इथाइल एल्कोहल है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल्डिहाइड थ्रू द एंजाइम एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड एसिटाइल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू एसीटेट फ्रॉम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनटू एसीटेट। तो बेसिकली आपको इस पॉइंट को समझना है, राइट, कि कौन सी ड्रग क्या मेटाबोलाइज कर रही है। अब क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हम बाद की स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं, हमारी जो ड्रग्स होंगी बेसिकली वो कहीं ना कहीं अगर आप इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को, इट मींस आप ब्लड में किसके लेवल को बढ़ाएंगे, एसिटाल्डिहाइड के लेवल को। और राइट तो अगर आप एसिटाल्डिहाइड को लेवल को बढ़ाते हैं तो एसिटाल्डिहाइड का बहुत ही एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है इन द ब्लड अगर एसिटाल्डिहाइड का लेवल ज़्यादा हो, और वो एक सिम्टम के फॉर्म में आता है। तो कई बार एल्कोहल विड्रॉल के लिए आप इस तरह की ड्रग लेते हैं लाइक डाइसल्फिराम जो कि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज इनहिबिटर होती है, तो हम डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट एक इस डायग्राम के थ्रू आपको ये आपको आपके कॉपी में मेंशन करना होगा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की अगर हम बात करें, देखिए लोकल एक्शन इथाइल एल्कोहल का क्या है, सब ऑलमोस्ट जानते हैं आप कि माइल्ड रूबीफेशियंट होता है, काउंटर इरिटेंट होता है। जब इसको स्किन पर रब किया जाता है तो एक कूलिंग वाली फीलिंग आती है, राइट, क्योंकि इवेपोरेशन होता है इसका। और ये स्किन में बेसिकली स्ट्रिंजेंट का एक स्ट्रिंजेंट जैसा भी एक रोल वो का होता है इसका। और बेसिकली ये सरफेस प्रोटीन जो स्किन की होती है उसको ये प्रेसिपिटेट कर देता है, और सरफेस प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने की वजह से ये कैसा हार्डनेस ऑफ स्किन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और बेसिकली ये एंटीसेप्टिक की तरह भी इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देता है, राइट। तो ये इसका लोकल एक्शन हुआ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखेंगे तो इसका देखिए काफ़ी वर्सेटाइल एक्शन है, और आपको ये सारे एक्शन को लिखना ही पड़ेगा क्योंकि देखिए अगर हम एल्कोहल का कई बार अगर लो डोज की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एज एक्साइटेशन और सिंपैथेटिक आउटफ्लो को इंक्रीज करके वो अपना एक्शन देता है, डोपामिन को रिलीज को बढ़ा के इन स्मॉल डोज। लेकिन अगर क्रॉनिक या लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ एल्कोहल की बात करें तो वो डिप्रेसेंट की तरह काम होता है। तो यहाँ पे डोज डिपेंडेंट इफेक्ट हैं एल्कोहल के जो कि आपको याद रखना होगा। एट 30-60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर एल्कोहल का लेवल है तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपरेंट एक्साइटेशन एंड यूफोरिया। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम इसको डिटेल डिस्कस कर लेंगे कि बेसिकली यहाँ पे अगर एक्साइटेशन हो रहा तो उसका रीजन क्या है मॉलिकुलर, और यहाँ पे डिप्रेशन हो रहा तो उसका रीजन क्या है। एट 80-150 डेसीलीटर यहाँ पे मेंटल क्लाउडिंग, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट, इम्पेयरमेंट ऑफ अटेंशन, मेमोरी इम्पेयरमेंट। इस डोज पे अगर देखें तो स्लॉपी, अटैक्सिक और ड्रंक एंड ब्लैकआउट्स। ब्लैकआउट्स वगैरह का मीनिंग ये है कि जैसे आप कुछ देर के लिए अपने कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से खो देते हैं, राइट। स्लॉपी मीन्स आपका अनऑर्गेनाइज हो जाते हैं, आपको किसी भी चीज़ का मस्कुलर वॉलेंट्री आपके बॉडी में कोई कंट्रोल नहीं होता। और इस डोज पे आप स्टूपर एंड कोई भी मस्कुलर कंट्रोल नहीं होगा, अनकॉन्शियस प्रिवेल, मेडलरी सेंटर जो होंगे पैरालाइज हो चुके होंगे, और इवन डेथ भी हो सकती है। तो बेसिकली जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक्साइटेशन से हम डिप्रेसेंट इफेक्ट की तरफ जा रहे हैं। इट मींस हम कह सकते हैं कि इन स्मॉल डोज एक्साइटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एल्कोहल, जबकि लार्ज डोज डिप्रेसेंट एक्शन इवन डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अगर इफेक्ट की बात करें तो ये डोज डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जैसे स्मॉल डोज की अगर हम बात करते हैं, राइट, तो स्मॉल डोज में बेसिकली फेस में जो क्यूटेनियस या गैस्ट्रिक वैसोडाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जब वैसोडाइलेशन फेस की ब्लड वेसल्स में वैसोडाइलेशन होगा इट मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड विल बी देयर, क्योंकि वैसोडाइलेटेशन होगा तो आपको एक फ्लश्ड
फ्लशिंग की फ्लश्ड की फीलिंग होगी राइट, और स्किन इज वार्म एंड फ्लश्ड एंड देयर मे बी कंजक्टिवल इंजेक्शन, बीपी इज नॉट अफेक्टेड, बीपी इस स्मॉल अमाउंट पे अफेक्ट नहीं होगा राइट। तो वैसोडाइलेटेशन की वजह क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन और गैस्ट्रिक वैसोडाइलेशन होगा स्मॉल डोज। मॉडरेट डोज की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, और आपको पता है अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा दैट विल इंक्रीज मसल एक्टिविटी एंड राइज इन बीपी। लार्ज डोज की अगर बात करें तो ये डायरेक्ट मायोकार्डियल एंड वैसोमोटर सेंटर का सप्रेशन या डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और फॉल इन ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए अपोजिट इफेक्ट है इसके हर डोज पे। ब्लड में अगर हम बात करते हैं तो मॉडरेट जो कंजप्शन होता है ऑफ एल्कोहल वो बेसिकली 50 to 100 ml ऑफ विस्की या 18 to 20 ग्राम डेली के लिए बोला गया है कि ये डिक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इंक्रीज HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड डिक्रीज LDL। तो HDL एक गुड कोलेस्ट्रॉल है जबकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल को एल्कोहल मॉडरेट डोज में कम कर रहा है जबकि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है। इट मींस ये आपका जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उसको मॉडरेट अगर आप एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो उसके चांसेस आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज के क्या होंगे, कम होंगे। एल्कोहल इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन डायबिटिक पेशेंट टेकिंग इंसुलिन एंड अदर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स। तो बेसिकली ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एल्कोहल इनटेक अगर कोई करता है और उस इंडिविजुअल की और वो इंडिविजुअल की कंडीशन क्या है कि वो डायबिटिक हो, मींस डायबिटिक कंडीशन हो, तो वो अगर एल्कोहल इनटेक करता है या इंसुलिन के डोज पे हो तो उसमें हाइपो प्रोफाउंड हाइपोग्लाइसीमिया होता है, मींस इन फास्टिंग स्टेट और ड्रिंकिंग एल्कोहल बट नॉट ईटिंग। देखिए दो कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, अगर फास्टिंग स्टेट मींस आपने एक दो दिन से किसी कोई फूड का इंटेक नहीं किया, नंबर वन। नंबर टू आप एल्कोहल ले रहे हैं बट आप कुछ खा नहीं रहे हैं और आप कंटिन्यू एल्कोहल ले रहे हैं। तो देखिए दो चीजें हैं, फास्टिंग स्टेट या ड्रिंकिंग एल्कोहल बट नॉट ईटिंग, ये दो कंडीशन को आप सेम कंडीशन से समझिए। फास्टिंग स्टेट में कहना चाह रहा है कि आप एल्कोहल तो ले रहे हैं लेकिन यहाँ पे किसी भी फूड का इंटेक नहीं कर रहे, उस कंडीशन में एल्कोहल प्रोफाउंड हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है। और उसका मैकेनिज्म, ये मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट था कि इस पर मैं इस चीज़ को डालूं क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस बात को आपको स्टूडेंट को समझना होगा। अब किस तरीके से ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है, देखिए जो फास्टिंग की स्टेट होती है उसमें दो मैकेनिज्म कॉज करती हैं ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए ताकि आपके बॉडी में या ब्रेन को एनर्जी मिल सके। नंबर वन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन जो ऑलरेडी स्टोर्ड फॉर्म में, क्योंकि देखिए आप फूड का इंटेक तो कर नहीं रहे हैं, आप फास्टिंग स्टेज में हैं तो आपका जो ऑलरेडी स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो बेसिकली उसको ब्रेक करके ग्लूकोज बनाया जाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। या दूसरा तरीका है कि नया ग्लूकोज बनाया जाएगा अदर देन कार्बोहाइड्रेट से, जिसको हम बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करके या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ा के। ये दो मैकेनिज्म से आप फास्टिंग स्टेज में क्या करेंगे, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेंगे। तो ए पर्सन हु हैज बीन ड्रिंकिंग एल्कोहल एंड नॉट ईटिंग फॉर वन और मोर डेज हैज एग्जॉस्टेड हिज और हर ग्लाइकोजन सप्लाई। तो बट ऑब्वियसली बात है कि अगर एक दो दिन से वो इंडिविजुअल ने कुछ खाया नहीं है फास्टिंग में, तो उसका ग्लाइकोजन तो ऑलरेडी स्टोर्ड, हम मानेंगे कि उसका मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ग्लाइकोजन वो ऑलरेडी उसकी बॉडी यूटिलाइज कर चुकी है। तो पहला पाथवे का आपका जो कंडीशन थी वो फिनिश हो गई, सेकंड में क्या बचा, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस विच ऑल्सो अकर्स प्राइमरली इन द लीवर इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम एलानिन एंड ग्लिसरॉल। तो अब बेसिकली एलानिन इज जनरेटेड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन मसल इन द मसल, वेयर एज ग्लिसरॉल इज फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन फैट मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड। मीन्स एलानिन और ग्लिसरॉल से जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को प्रमोट करने की बात हो रही है सेकेंड स्टेप में ड्यूरिंग फास्टिंग, अब वो चीज इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि उस ड्यूरेशन में आपने एल्कोहल इनटेक किया है और जो लीवर के मेटाबॉलिक एंजाइम है वो एल्कोहल के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इसी पॉइंट को कहा है कि एल्कोहल मेटाबॉलिज्म इन द लीवर हाउएवर एक्चुअली सक्स डाउन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड दस द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट
हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक राइट। तो सेकंड कंडीशन है जो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करेगी। कॉन्सिक्वेंटली बोथ ऑफ द बॉडीज मैकेनिज्म इज सस्टेन्ड ब्लड शुगर लेवल आर इनएक्टिवेटेड इन पीपल हु कंज्यूम एल्कोहल बट डू नॉट ईट, रिजल्टिंग इन प्रोफाउंड हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको हर स्टूडेंट को ध्यान रखना होगा। बॉडी टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये कई बार रिप्यूटेड एल्कोहल, कई बार मान के चला जाता है कि आपको अगर एक सर्दी वाली फीलिंग है तो आप एल्कोहल का इंटेक करेंगे तो आपको फीलिंग कम होगी। तो लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, अगर हमारा सराउंडिंग, ये बेसिकली जो ये जो फीलिंग आती है वार्म्थ की, ये बेसिकली क्यूटेनियस और गैस्ट्रिक वैसोडाइलेशन की वजह से होती है क्योंकि ब्लड की सप्लाई वहाँ पर ज़्यादा होगी। बट हीट लॉस इज एक्चुअली इंक्रीज इन कोल्ड सराउंडिंग। ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि कोल्ड अगर सराउंडिंग है तो आपके बॉडी का हीट लॉस भी मैक्सिमम होगा। रेस्पिरेशन को भी ये प्रमोट करता है और बेसिकली इरिटेट करता है बकल और फेरेंजियल म्यूकोसा को, जो कि ट्रांजिएंटली स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेशन को। जीआईटी की अगर बात करें तो डाइल्यूट एल्कोहल 10% राइल ट्यूब की मदद से अगर दिया जाए तो ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, जबकि अगर हायर कंसेंट्रेशन इसका दिया जाता है तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, कॉज वॉमिटिंग एंड म्यूकोसल कॉन्जेशन एंड गैस्ट्राइटिस। ये दो अलग अलग डोज पे अलग अलग है, तो एल्कोहल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डोज डिपेंडेंट इफेक्ट पढ़िए, राइट। लीवर में अगर बात करें लाइक एसिटाइल्डिहाइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ एल्कोहल, जैसे कि हमने देखा लास्ट में कि एसिटाइल्डिहाइड बेसिकली जो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा ये इथाइल एल्कोहल के मेटाबॉलिज्म में आपका क्या एसिटाइल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसी बात को कह रहा है कि बेसिकली जो एसिटाइल्डिहाइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ एल्कोहल अपीयर्स टू डैमेज द हिपेटोसाइट्स इन लीवर की सेल को एंड इंड्यूस इन्फ्लामेशन स्पेशली ऑन क्रॉनिक इंजेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट। रेगुलर एल्कोहल इनटेक इंड्यूस एंजाइम। तो दो पॉइंट है इसमें, पहली बात तो एसिटाइल्डिहाइड उसको डैमेज करेगा लीवर की सेल्स को, और दूसरा पॉइंट यह है कि जो भी रेगुलर इनटेक करते हैं एल्कोहल का उनका जो लीवर का माइक्रोसोमल एंजाइम है दैट इज वो इंड्यूस्ड हो जाते हैं। तो ऑलरेडी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में, कि आपके अगर माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूस होते हैं तो आपका जो माइक्रोसोमल एंजाइम, अगर मान लीजिए सपोज करिए किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म फिर फास्ट होगा तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाएगा, तो उस ड्रग की आपको डोज बढ़ा के देनी होगी। तो बेसिकली ये माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर की तरह भी काम करता है रेगुलर इनटेक में। किडनी में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये डायूरेसिस इज ऑफन नोटिस्ड आफ्टर एल्कोहल इनटेक। डायूरेसिस की मैकेनिज्म बढ़ जाती है, दिस इज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप एल्कोहल के साथ क्या इंजेस्ट करते हैं, वाटर इंजेस्ट करते हैं, और जो कि इंड्यूस करता है इनहिबिशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन को इनहिबिट करके आप डायूरेसिस प्रमोट करते हैं। सेक्स का, इसके एल्कोहल का सेक्स के ऊपर इफेक्ट देखें तो बेसिकली एल्कोहल इज रेप्यूटेड एज एन एफ्रोडायसिक। इसको कई बार ये साइकोलॉजी में माना जाता है कि ये एफ्रोडायसिक होता है, एज ए सेक्स स्टिमुलेंट काम करता है। बट एग्रेसिव सेक्सुअल बिहेवियर इज ड्यू टू लॉस ऑफ रेस्ट्रेंट एंड इनहिबिशन। किसी भी तरीका का मेंटली आप रेस्ट्रेंट या इनहिबिशन नहीं होगा, उसकी वजह से आप सेक्सुअल एग्रेशन शो करेंगे, बट परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्सुअल एक्ट इज ऑफन इम्पेयर्ड। ये ध्यान होगा आपको कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी ड्यूरिंग सेक्सुअल, आपका जो परफॉर्मेंस है ड्यूरिंग सेक्स, वो बेसिकली आपका इम्पेयर्ड होगा ड्यू टू इनटेक ऑफ एल्कोहल। क्रॉनिक एल्कोहलिज्म जबकि इनफर्टिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है इन बोथ केस में, इन बोथ मैन एंड वुमेन्स। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मैकेनिज्म पे कई थ्योरीज हैं, यहाँ पे मैंने सारी जो है सेलेक्ट करके रेड आउट करके देखा। बेसिकली अगर इसके स्मॉल डोज या इनिशियल स्टिमुलेशन की बात करें तो वो डिपेंडेंट होता है क्योंकि इंक्रीज करता है डोपामिन रिलीज को, डोपामिन रिलीज को और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके, जो कि डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन है, वो फीलिंग एक जनरेट करता है स्टिमुलेंट फीलिंग को। लेकिन बाद में इसका जो लार्जर अमाउंट है एल्कोहल का, वो बेसिकली गाबा मेडिएटेड इनहिबिशन को प्रमोट करके लाइक बेंजोडाइजिपिन जैसा एक्शन देते हैं, या NMDA एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करके, या कैल्शियम एंट्री को इनहिबिट करके, राइट, ये डिप्रेसेंट इफेक्ट देते हैं। तो लास्ट के तीन पॉइंट जो है डिप्रेसेंट इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि पहला जो पॉइंट है इंक्लूडिंग सिंपैथेटिक सिस्टम का स्टिमुलेशन, ये आपका स्टिमुलेंट एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल डिपेंडेंस की अगर बात करें तो बेसिकली बेंजोडाइजिपिन विड्रॉल सिम्टम को इनहिबिट करने के लिए दिया जाता है, राइट। नेल्ट्रिक्सॉन जो कि ओपियाइड एंटागोनिस्ट है, बेसिकली रिड्यूस करता है एल्कोहल क्रेविंग को
और जबकि इसकी जो एब्सटिनेंस थेरेपी होती है, जब अल्कोहल का इंटेक नहीं किया जा रहा होता है, थेरेपी ड्यूरिंग थेरेपी एडवाइज किया जा रहा हो कि अल्कोहल ना लें, तो उस समय एकाम्प्रोस्टेट एक मेंटेनेंस थेरेपी के रूप में दिया जाती है ड्रग। डाइसल्फिराम, देखिए डाइसल्फिराम का एक अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है अल्कोहल के पार्ट में कि डाइसल्फिराम के बारे में लिखिए। तो डाइसल्फिराम कैन बी यूज इन साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट पर्सन हु आर मोटिवेटेड टू क्विट एल्कोहल, जो कि खुद मोटिवेटेड है कि एल्कोहल वो छोड़ देगा। इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन फिजिकली डिपेंडेंट इंडिविजुअल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिजिकली डिपेंडेंट इंडिविजुअल में आप डाइसल्फिराम को नहीं एडवाइस करते हैं, जबकि साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट पर्सन में जो कि खुद से मोटिवेटेड है कि वो कुछ कर सकता है एल्कोहल, इस तरह के इंडिविजुअल में आप डाइसल्फिराम को एडवाइस करेंगे। डाइसल्फिराम एंटीब्यूज सेवरल ड्रग लाइक क्लोरप्रोपामाइड, सेफोप्राजोन, मोक्सालेक्टम या सेफामेंडोल, मेट्रोनिडाजोल, ग्राइसोफलविन, ये बेसिकली इनहिबिट करते हैं एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस को और रिजल्टिंग इन एक्यूमुलेशन ऑफ एस्टेल्डिहाइड। तो जैसे कि इस पॉइंट पे मैंने कहा था, यहाँ पर देखिए एस्टेल्डिहाइड को एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस को ये ड्रग्स इनहिबिट कर रही है और बेसिकली एस्टेल्डिहाइड के लेवल को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। तो इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि जब एस्टेल्डिहाइड का लेवल बढ़ेगा, एक्युमुलेशन ऑफ एस्टेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड में लीड टू सीवियर डिस्ट्रेसिंग सिम्टम लाइक डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन जिसको बोलते हैं, वो बेसिकली एस्टेल्डिहाइड का लेवल ब्लड प्लाज्मा में ज्यादा होने की वजह से होती है। और डाइसल्फिराम प्रोड्यूस सीवियर, ए डबल एस हो गया यहाँ पे, ए कैसे होगा, सीवियर डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स इंक्लूडिंग फ्लशिंग, हेडेक, वॉमिटिंग, विजुअल डिस्टर्बेंसेज एंड मेंटल कन्फ्यूजन। तो कई बार अल्कोहल इंटेक के पहले डाइसल्फिराम की टैबलेट दी जाती है और ये देखा जाता है कि कई बार अगर अल्कोहल इंटेक के बाद, चूंकि एस्टेल्डिहाइड ये एंजाइम आप एस्टेल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फिराम, तो एस्टेल्डिहाइड का लेवल जब ब्लड में बढ़ेगा तो आपका जब वो फीलिंग ये सब वॉमिटिंग या इस तरह की फीवर या इस तरह की फीलिंग आएगी, तो कई बार वो अल्कोहल को छोड़ने की बात इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम डाइसल्फिराम देते हैं After intake of alcohol. These symptoms are due to accumulation of acetaldehyde. Due to these symptoms, individual resolution to quit alcohol is strengthened. मतलब उसको जो एक साइकोलॉजिकली ये कि छोड़ देना है वो उसकी चीज स्ट्रेंथ होगी क्योंकि उसके साइड इफेक्ट उसको ज्यादा लगने लगेंगे। देखिए हम मिथाइल एल्कोहल की अगर बात करें तो बेसिकली मिथाइल एल्कोहल मेटाबोलाइज होती है फॉर्मेल्डिहाइड में, जैसा वो एस्टिक एसिड और एस्टेल्डिहाइड में हो रही थी, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड और फाइनली टू फॉर्मिक एसिड में होती है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज की हेल्प से, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की मदद से फॉर्मेल्डिहाइड में होती है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, जो फॉर्मिक एसिड है बेसिकली ये लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करता है और ब्लाइंडनेस एंड डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड इज रेटिनल डैमेज लीडिंग टू ब्लाइंडनेस। तो मिथेनॉल पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड विद सपोर्टिव मेजर, या तो गैस्ट्रिक लेवल्स करवाते हैं स्टमक से कंटेंट को हटाने की बात है, या सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक चीज देते हैं क्योंकि फॉर्मिक एसिड जो एसिडिक है और बेसिक उसको न्यूट्रलाइज करने के पर्पज से हम देते हैं ताकि उसका इफेक्ट, फॉर्मिक एसिड जैसे उसका बहुत ही सीरियस इफेक्ट है रेटिनल डैमेज, तो ताकि उसको मिनिमाइज किया जा सके। इथेनॉल इज यूजफुल बिकॉज इट कम्पिटिटिवली इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ मिथेनॉल टू फॉर्मिक एसिड। इसके मिथेनॉल पॉइजनिंग में हम थोड़ा अमाउंट इथेनॉल का भी देते हैं क्योंकि ताकि एंजाइम कंफ्यूज होकर मिथेनॉल को ना मेटाबोलाइज करके किसको मेटाबोलाइज करे, इथेनॉल को, क्योंकि उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स इथेनॉल ज्यादा होती है, इसीलिए हम मिथेनॉल पॉइजनिंग में इथेनॉल देते हैं ताकि उसका मेटाबॉलिज्म ना हो और फॉर्मिक एसिड की प्रोडक्शन ना हो। फोमेपिरिजोल कैन ऑल्सो बी यूज इन मिथेनॉल पॉइजनिंग बिकॉज इट इज स्पेसिफिक इनिबिटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ये एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का एंटागोनिस्ट है, तो बेसिकली फोमेपिरिजोल ड्रग देते हैं एज अ मिथेनॉल पॉइजनिंग। फॉलिक एसिड एंड फॉलिनिक एसिड कैन ऑल्सो बी यूज बिकॉज फोलेट डिपेंडेंट सिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉर्मिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली ये जो फोलिक एसिड या फॉलिनिक एसिड है ये बेसिकली फॉर्मिक एसिड को मेटाबोलाइज करके रैपिडली कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करने प्रमोट करेंगी। तो चूंकि फॉर्मिक एसिड ये हमारे लिए काफी डेंजरस है, जब उसका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन होगा तो दैट विल बी गुड फॉर अस, सो ये ड्रग्स बेसिकली प्रमोट करती हैं उसको, इसलिए हम फॉलिक एसिड और फॉलिनिक एसिड भी प्रोवाइड करते हैं इन द केस ऑफ मिथेनॉल पॉइजनिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट। तो आपका जो क्वेश्चन आने वाला है बेसिकली वो ये आने वाला है एल्कोहल से कि आप डिफाइन द एल्कोहल फार्माकोलॉजी, इसमें आप अलग अलग बॉडी ऑर्गन पे उसका एल्कोहल का इफेक्ट देखेंगे, और डाइसल्फिराम को आप श्योर पढ़ के जाइए क्योंकि डाइसल्फिराम का आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। तो डाइसल्फिराम आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, डाइसल्फिराम लिख के यहाँ पे नेगेटिव एरो का साइन दिखा सकते हैं कि इसको इनहिबिट कर रहा है, तो आप इस तरीके से, बहुत आसान चैप्टर है, इसको आप आसानी से अपना कंसेप्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्कोहल, डाइसल्फिराम एंड मिथेनॉल। थैंक यू वेरी मच।